नमस्कार, दीपा अमीन फूड एंड लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये पीली काकड़ी। हाँ, इसको तवते बोलते हैं, सौते काय बोलते हैं, आप लोग क्या क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं। तो मैं आज इसका सार बनाने जा रही हूँ, करी। हाँ, तो आप देखिए, ये पीली काकड़ी है। मसाले के लिए ये मिर्च है, सूखा मिर्च, फिर ये जीरा, राई और मेथी थोड़ा थोड़ा, और फिर थोड़ा सा कड़ी पत्ता और उड़द दाल थोड़ा सा, ये सब भून के, और ये नारियल है। ये नारियल हम लोगों ने, मैंने ये घीस के रखा हुआ है। तो ये मसाला सब भून के अच्छे से इसको हम पीस के लेंगे। अभी ये देखिए, ये काकड़ी के ऐसा रहता है। तो इसका बीजा निकालने का, छिलका निकालने का, और इसके छोटे छोटे पीस करने के, पीस करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, ये काकड़ी के मैंने कैसे इसे छोटे छोटे क्यूब बना के ले लिए। हाँ, अभी हमने ये पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे ये काकड़ी। फिर हम उसमें डालेंगे ये एक कांदा कट करके। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, और क्या डालेंगे, और ये हमारा नमक, हमारा नमक। बिना नमक से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए नमक तो डालना है। अभी इसको अच्छे से हम पकने देंगे, जब तक ये ट्रांसपेरेंटबल दिखता नहीं है तब तक उसको पकने देंगे। अब हम इसमें रखिए कढ़ाई गरम करने के लिए। हाँ, अच्छा, गरम करने के लिए कढ़ाई रखा है। तो अभी हम इसमें अभी हम मसाला भून के लेंगे। हाँ, मेन तो हम धनिया बताने के लिए भूल गए, तो ये आप धनिया डाल दिया। हाँ, धनिया डाल दिया, फिर ये कड़ी पत्ता और थोड़ी सी उड़द दाल डाल दी। हाँ, अभी इसको हम अच्छे से भून के लेंगे। हाँ, ज्यादा काला नहीं करना है इसको, थोड़ा सा लाइट भूनना है। ज्यादा काला करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके साथ हमने ये मिर्ची भी भून के लेना है, और अच्छे से बारीक गैस करके अच्छे से इसको भून के हमें पीसना है। पीसने के टाइम पे कैसा पीसना है मैं दिखाती हूँ। अभी हमारा मसाला भून गया, देखिए कलर बिल्कुल मतलब चेंज नहीं है। गैस बारीक करके भूनना है, तभी वो टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो फिर वो जला जला हुआ फिर टेस्ट आएगा। तो भूनने के टाइम पे बहुत अच्छे से भूनना है, बारीक गैस करके। थोड़ा पेशेंस रखना है खाना बनाने के टाइम पे, अगर पेशेंस रखोगे तो खाने को टेस्ट भी आएगी, अच्छा कलर भी आएगा। तो एक कांदा मैंने उसमें डाल दिया है पकने के लिए, और एक कांदा मैं मसाले में डाल रही हूँ। मैंने फर्स्ट कांदा और धनिया दिखाया नहीं, बट अभी मैं दिखा रही हूँ, तो डालना, मेरा वीडियो पूरा देखना है, तो कभी कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए पूरा एंड तक वीडियो देखना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो ये मैंने कांदा डाला मिक्सर में, फिर मैंने ये नारियल घिस के रखा हुआ था वो डाला। आपका अगर ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा नारियल डाल सकते हो, कम बनाने का है तो कम, आपका ऊपर है आपके घर में कितने खाने वाले लोग हैं। तो ये इडली, डोसा,
पनीर डोसा उसके साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो आप कैसा भी इसको खा सकते हैं सार को। तो ये मैंने इमली का पानी डाल दिया है इसके अंदर। ये इमली है, मैं मसाले में नहीं डालती हूँ, इसके कवर व्यवर कुछ हो गए इसीलिए। अभी मैं इसको पीस के लेती हूँ। हाँ देखिए, अभी ये अपना मसाला रेडी हो गया। हाँ देखिए, बहुत अच्छा से पीसना पड़ता है, एकदम अच्छा पेस्ट होना चाहिए। हाँ और मसाला तो रेडी हो गया, अभी ये अपना देखिए ये भी पीस के रेडी हो गया। हाँ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना काकड़ी, येल्लो काकड़ी देखिए, मतलब ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब ये पक गई। हाँ अभी हम इसको मसाला डाल के कैसा पकाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम इसके अंदर मसाला और ये काकड़ी ये मिक्स किया एक बर्तन में लेके, पका हुआ काकड़ी और ये मसाला पूरा। हाँ मिक्स करके अभी हम इसको 10-15 मिनट तक इसको हम अभी पकाएंगे। पूरा मसाला डाल दिया जितना पीसा हुआ था, तो 15 मिनट 20 मिनट तक आप इसको पकाना है। टेस्टी यम्मी एकदम फर्स्ट क्लास पीली काकड़ी का करी बोलो सार बोलो सब रेडी हो गया। अभी ये कड़ी पत्ता और राई का हम तड़का देंगे मस्त। थोड़ा बहुत उड़ता है पीछे, देखिए पीछे सब ऐसा, कोई बात नहीं साफ कर लेंगे। और ये देखिए ये कितना मस्त है ना, देखिए बराबर सब बराबर पकाएंगे ना तो टेस्ट भी अच्छी होती है, कलर भी अच्छा होता है। और इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना भी बनता है। थैंक यू।